स्वागत है आपका समय में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे कश्मीर में कमल के कमाल की। दरअसल डीडीसी यानी जिला विकास परिषद के चुनाव में कश्मीर घाटी में पहली बार 3 सीटें जीतकर बीजेपी ने कमल खिलाया है और इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर दिखाया जा रहा है। यानी कश्मीर में कमल का कमाल हुआ है। जम्मू कश्मीर के कुल 20 जिलों की 280 सीटों के नतीजों में 7 दलों के गुपकार गठबंधन को सबसे बड़ा विजेता बनाया है, लेकिन अकेले सबसे बड़े दल के तौर पर बीजेपी ने 74 सीटें जीती हैं, जिसमें से 71 सीटें जम्मू संभाग से मिली हैं। इस नतीजे में कांग्रेस 26 सीट के साथ फिसड्डी बन गई, जबकि 66 सीटों पर निर्दलीयों और अन्य ने अपना परचम लहराया है। डीडीसी चुनावों को विधानसभा चुनावों का लिटमस टेस्ट यानी कि जनमत का रुझान माना जाता है। अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली का नाम बुलंद गुपकार ने साबित किया है कि कश्मीर घाटी में लोग विशेष राज्य के दर्जे की वापसी चाहते हैं। फारूख ने तो 370 की बहाली के लिए चीन की मदद भी लेने का दम भरा था। बहरहाल, मोदी के कामकाज के सहारे जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की आवाज़ बुलंद हुई है। गुपकार जम्मू और कश्मीर के 7 राजनीतिक दलों का बनाया गया एक गठबंधन है, जो कि आर्टिकल 35A और अनुच्छेद 370 की वापसी चाहता है। अपने एक सूत्रीय एजेंडे को लेकर गुपकार ने मिलकर इस चुनाव को लड़ा था। चीन और पाकिस्तान की माला जपी, बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कांग्रेस को छद्म सहयोगी के तौर पर साथ में रखा। अब सभी 20 जिलों की 280 सीटों पर नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया कि 13 जिलों में गुपकार और कांग्रेस मिलकर अपने चेयरमैन बनाएगी, जबकि जम्मू संभाग के 5 जिलों में बीजेपी के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। इस चुनाव में जहां कश्मीर घाटी में कमल खिला है, वहीं जम्मू संभाग की 140 सीटों में सिर्फ 71 सीटें पाकर बीजेपी मायूस है, क्योंकि जम्मू बीजेपी का गढ़ है और यहाँ की आबादी हिंदू और सिख बहुल है। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू में 26 सीट जीतना यकीनन मायने रखता है, लेकिन बीजेपी ने कश्मीर में अपना खाता खोलकर शानदार शुरुआत कर दी है। और आइए आपको सुनाते हैं बीजेपी का वार और गुपकार का पलटवार। ये जो बार बार गुपकार अलायंस की विक्ट्री बताया जा रहा है, तो पहली बात आप जान लें कि वो अलायंस भाजपा से अकेले नहीं लड़ने की कमजोरी के कारण बना था। द गुपकार अलायंस वॉज फॉर्म्ड बिकॉज द कंपोनेंट ऑफ दैट अलायंस न्यू दे कैनॉट फाइट बीजेपी सिंगल हैंडेडली। इसके बावजूद अगर आप दूसरा आपको मैं आंकड़ा बताऊं तो बीजेपी को इतने वोट मिले हैं जो एनसीपी पीडीपी के वोट से भी ज्यादा है, अगर दोनों को मिला दीजिए। आई चैलेंज यू रीओपन 4G टुमारो। आई चैलेंज यू, अगर आपको इतना ही अपने इस पे गर्व है, जनाब हमने मुश्किल हालात में इतना कामयाब इलेक्शन किया, तो दीजिए लोगों को इनाम, करिए 4G दोबारा चालू, कम से कम हमारे बच्चे ठीक तरह से पढ़ पाएंगे, हमारे बिजनेसमैन ठीक तरह से अपना काम कर पाएंगे, हमारे मीडिया वाले अपने स्टोरीज भेज पाएंगे, हमारे डॉक्टर दुनिया भर का रिसर्च करके यहां कोविड का मुकाबला करेंगे। एक तरफ से तो आप कहते हो कि जमहूरियत की जीत हुई है, डेमोक्रेसी हैज वन, दीज वर पीसफुल इलेक्शंस, हाईली पार्टिसिपेटेड। ऑन द अदर हैंड यू स्टिल डिनाय अस इवन द बेसिक फैसिलिटी ऑफ 4G इंटरनेट। सुना आपने, ये थी प्रतिक्रियाएं। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के नतीजों ने एक नया समीकरण हमारे सामने खड़ा कर दिया है। गुपकार जो गठबंधन है, पीएजीडी के
बैनर चले, सीट शेयरिंग कर 7 दलों ने चुनाव लड़ा और अनुच्छेद 370 की बहाली का राग अलापा। और नतीजे बता रहे हैं कि ये दांव कामयाब भी रहा है, जबकि जम्मू संभाग में बीजेपी का वोट बैंक खिसक गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां पर सेंध लगा दी। लेकिन कश्मीर घाटी में पहली बार 3 सीटें जीतकर बीजेपी की बांछें खिल गई हैं। बड़ी बहस में इसी मसले पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान बीजेपी के अश्विनी शाही, आपका स्वागत है। कश्मीर मामलों के जानकार रविंद्र पंडित, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। सबसे पहले सुनील जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि इन नतीजों को हम किस रूप में देखें और ये क्या इंगित करते हैं अगर कश्मीर के भविष्य की बात की जाए। जम्मू कश्मीर में ये पहला इलेक्शन था और जिस तरीके से वहाँ बीजेपी की स्थिति थी 370 और 3598 के बाद, यदि वो इकलौती पार्टी ऐसी है जो बिना गठबंधन के चुनाव लड़ी, तो ये निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने वहाँ पैर जमाने का काम किया है, वहाँ की जनता का विश्वास जीतने का काम किया है। लेकिन जितनी उम्मीद लगाई जा सकती थी, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर से कि उतनी सफलता बीजेपी को नहीं मिली, कि जिस तरीके से वहाँ 74 सीटें और 67 सीटों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस 67 सीटें जीत के आती है, और दूसरा यह जहां आपका जम्मू में बोरवाला था वहां केवल 71 सीटें 140 में से लगभग 50% सीटें आप जीत पाए हैं, तो निश्चित तौर से बीजेपी को दोबारा अपनी समीक्षा करने की आवश्यकता पड़नी चाहिए और होगी भी, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ जिस तरीके से बीजेपी उस इलेक्शन में कूदी और जो उम्मीद पूरा देश लगाए बैठा था, जम्मू कश्मीर की जनता नहीं पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा था, यदि ये खरे नहीं उतरे हैं तो मुझे लगता है कि दोबारा जनता के बीच जाने का प्रयास बीजेपी को करना चाहिए। अश्विनी शाही जी से पूछना चाहूंगा इस पर, अब वो क्या कहेंगे? देखिए आशुतोष जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया है, चाहती है तब कोई भी चुनाव हो, और आज ये बहुत निचले स्तर का चुनाव था, लेकिन इसमें भी हमने बहुत ही गंभीरता से चुनाव को लड़ा, सारे नेता वहां जी, और आज हिंदुस्तान के माथे पर कमल का खिलना ये बताता है कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो मोदी जी के नीतियों को के रास्ते पर चलने का काम कर रही है, अब लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं वहां पर स्थापित हो रही हैं, गणतंत्र के बजाय लोकतंत्र वहां आ रहा है। जीतने के लिए आशुतोष जी मैं कहूंगा ये जीत हमारी बहुत बड़ी जीत है, और हमको ये सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े दल के रूप में उभरे हैं, ज्यादा वोट मिला है, परसेंटेज ज्यादा है, चारों तरफ से अभी ये चीजें हैं, और इसको हम कहेंगे कि अगले चुनाव में अगर हमसे कोई खामियां हमारे साथी लोग पैनलिस्ट बता रहे हैं कोई कमी होगी तो भारतीय जनता पार्टी समीक्षा जरूर करेगी, और वो समीक्षा करने के बाद तो दुगने उत्साह से अगले चुनाव में। चलिए सुनील जी, ये जो नैरेटिव है जो रीस्टोर करने का, जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस भारत ने चेंज किया था और उसकी काफ़ी ज़्यादा इन सारे दलों ने मिलकर आलोचना भी की है कि ऐसा नहीं कश्मीर की जनता के साथ करना चाहिए था, और हमने देखा कि बहुत हद तक एक तबका ये भी मानता है कि लद्दाख की जो सारी जो चीज़ें हुई हैं और चीन जिस तरीके से आगे बढ़ा है और ये सारा कुछ हुआ है, कहीं ना कहीं बोन ऑफ कंटेंशन 370 था आर्टिकल, और इस तरह के ग्लोबल टाइम्स वगैरह में भी आर्टिकल्स हमने देखे कि उनकी असल आपत्ति इस बात से थी कि यूनिलेटरली जम्मू कश्मीर का स्टेटस भारत सरकार कैसे चेंज कर सकती है। आपको लगता है ये जो नैरेटिव यहाँ पर फ्लोट किया है इन दलों ने, इसका इनको आगे भी समर्थन मिलेगा और ये अपने आप में भविष्य में भी बीजेपी को एक तरीके से किनारे रखने की एक व्यवस्था वहाँ पर हो जाएगी? नहीं, देखो 370 और 3598 के बाद पहला इलेक्शन ऐसा है, और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता को समझने का प्रयास करना होगा आखिर में कि हमें किसके साथ खड़ा होना है, और ऐसे तत्वों को बचाने की या ऐसे जो राजनीतिक दल हैं, ऐसी पार्टियां हैं जो निश्चित तौर से देश का विरोध करते हैं। आप बताइए, इलेक्शन के समय पर यदि कोई पार्टी का मुखिया ये कहे कि चाइना इसमें हस्तक्षेप करे तब हम बहाली करेंगे, या पाकिस्तान की उस देश उस चुनाव में चर्चाएं होने लगें, तो मुझे लगता है कि वहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की सोचने की के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर वो ऐसे तत्वों को कैसे नकारें। वहाँ तमाम ऐसे घोटाले निकल के आ रहे हैं, मुझे लगता है बीजेपी की ये जिम्मेदारी भी बनती है, सिविल सोसाइटी के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से जनता को वहाँ गुमराह किया जा रहा था या अब भी जनता गुमराह है, उनकी आंखें कैसे खुलें
ये सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है। पहला इलेक्शन है, मुझे लगता है कि इतनी सफलता भी काफ़ी है, लेकिन जितना उम्मीद से हम लोग कर रहे थे या देश जो उम्मीद लगाए बैठा था उतनी उम्मीद के हिसाब से सीटें नहीं मिली हैं, लेकिन चलते हैं कि चलो दो कदम आगे बढ़े और भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से जिला विकास परिषद के इलेक्शन में जो 10 जिलों में 6 सीटों में 6 जिलों में उनको पूर्ण बहुमत मिला है, कुछ ऐसा करके दिखाए बीजेपी वहाँ पर कि वहाँ की जनता का विश्वास जगे, बीजेपी में विश्वास जताए वहाँ की जनता, और लगे ऐसा कि वास्तव में जो निर्णय 370-35-58 का भारत सरकार ने लिया है वो उनके हित में है। अब ऐसा करेगी कैसे बीजेपी, हमारे बीजेपी के मेहमान से हम पूछेंगे, लेकिन रविंद्र जी आपका रुख मैं करना चाहूँगा, इलेक्शंस का को आप किस रूप में देखते हैं इनको, और दूसरी जो अहम बात है वो ये कि जैसा कि सुनील जी बता रहे थे कि एक पॉलिटिकल पार्टी और उसका मुखिया ये सीधे सीधे तौर पर चीन की पैरोकारी करता है और ये उसको चीन से मदद लेने में कोई गुरेज नहीं है अगर आर्टिकल 370 को कश्मीर में रीस्टोर करना हो, लेकिन बावजूद इसके उसकी द्वारा जीती गई कुल सीटों की संख्या 112 होती है। नहीं देखिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद पूरे देशवासियों को और ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर वासियों के कि एक इलेक्शन हुआ। पीछे आप देखिए दोनों इलेक्शन जो वहाँ पे लोकल हुए उसमें बायकॉट की कॉल दी गई थी और लोग बाहर नहीं आए बायकॉट के कारण, वो आपको पता ही है आतंकवादी कैसे अभी भी वहाँ चला रहे हैं अपनी। पर पहली बार देखिए संविधान की शपथ लेके ही जो भी ये गुपकार गैंग जिसको आप बोलते हो एक अलायंस है, इनको हम बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते, इनको वाश आउट नहीं कर सकते। इनकी जितनी भी थोड़ी थोड़ी पॉपुलैरिटी है पर वो बहुत कम हो रही है। देखिए ना पीडीपी को वोट परसेंटेज क्या मिला है, 4.4%। वहाँ अपनी पार्टी एक और नई आई है उनको 3% मिला। इंडिपेंडेंट्स का बड़ा रोल है जी इस टाइम, आप ये बात इस इलेक्शन में देखिए जो इंडिपेंडेंट निर्दलीय खड़े हुए हैं ना वो एक्चुअली बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, और जो केंद्रीय सरकार की पॉलिसी रही है कि ये डीडीसी इलेक्शंस ये पहली बार हो रहा है जी जेएंडके हिस्ट्री में कि डीडीसी यानी कि ग्रास रूट लेवल तक हम जा रहे हैं और ग्रास रूट लेवल तक पैसा पहुंचेगा और डेवलपमेंट। ये पर्सनैलिटी बेस्ड इलेक्शंस थे, इसमें आप देखेंगे कि 3 वोट से भी एक अवतार सिंह जीते हैं जी हमारे शुपियन से। पर मुबारक मैं देना चाहता हूँ जो अपने छोटे साथी को इंजीनियर एजाज हुसैन को, श्रीनगर की जो मेन सीट थी जिस पे सब लोगों की नजरें थी जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ है, तो एजाज हुसैन ने श्रीनगर की सीट जीती है बीजेपी की टिकट से। अब आंकड़े जो हैं आंकड़े देखिए जीकेपीडी इसको भी आप जो है वो नहीं कर सकते गुपकार गैंग को रूल आउट, उन्होंने जम्मू रीजन में देखिए वहाँ पे कैसे 45 सीटें हासिल करी। हम तो कह रहे थे पहले कि जम्मू में तो उनका नामो निशान नहीं है, तो कश्मीर सेंट्रिक जो है ये लीडर्स है कश्मीर बेस्ड लीडर्स है, ये जम्मू में कोई कुछ नहीं कर पाएंगे, 45 सीटें जम्मू में भी हासिल करी हैं। तो अच्छी बात ये है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेशन हुई, सभी कैंडिडेट्स ने अभी 2 रिजल्ट्स जो हैं अभी सस्पेंडेड हैं, उनका भी एक बड़ा विशेष कारण है वो भी बताना चाहूँगा बाद में जी। पर जो हमारे वहाँ पे लोकल बीजेपी की लीडर्स हैं, खास तौर पे नाम मेंशन करूँगा मैं अपने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और द्रक्षान इंद्राबी जी, इन्होंने बड़ी मेहनत करी क्योंकि ग्रास रूट पे हमारे जो यहाँ से नेता गए हैं उनका इतना कोई इम्पैक्ट नहीं है। हमारे बड़े केंद्रीय मंत्री यहाँ से गए, 4-4 मंत्री भी, और हमारे नए वहाँ प्रभारी आए हैं तरुण चुग जी, उन्होंने भी बड़ी मेहनत करी है, पर इम्पैक्ट रहा वहाँ के लोकल लीडर्स का जम्मू रीजन में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने और द्रक्षान इंद्राबी जी ने जो कश्मीर घाटी में काम किया। तो इलेक्शन के लिए बधाई के पात्र हम सब हैं, इलेक्शन हुए डीडीसी के इलेक्शंस, वहाँ काउंसिल बनेगी, डीडीसी के मेंबर लोकल रहेंगे गांव के रहेंगे, जैसे हमारे सरपंच और पंच वहाँ पे थे ही थे, अब डायरेक्ट डेवलपमेंट लोगों के हाथ में आएगी, ग्रास रूट लेवल पे आएगी। अभी दुखद समाचार ये भी हुआ पीछे कि हमारे एक मित्र बीजेपी काउंसलर वीरेंद्र कुचरू का देहांत हो गया जी। तो बारामूला से थे वो, तो हमने पंच सरपंच में भी कुछ कश्मीरी पंडितों ने भी हिस्सा लिया था, पर बदकिस्मती आपकी बार ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने एक भी कश्मीरी पंडित कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया जी जी, ये मैं बताना चाहूंगा जी। चलिए सुनील जी, ये नैरेटिव डिफीट हो पाएगा भविष्य में, क्योंकि ये बहुत आसान स्थिति है कि कश्मीर की जनता से ये कहा जाए कि भाई आपका विशेष दर्जा था और जिसको केंद्र सरकार ने विड्रॉ कर लिया और ये चीज़ आपके खिलाफ जाती है, कहीं ना कहीं आपका विशेष दर्जा छीन लिया गया। इस नैरेटिव को किस तरीके से डिफीट कर पाएगी बीजेपी या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं?
नहीं, ये सरकार की और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से अब तक वहाँ की जनता को, उनके युवाओं को, महिलाओं को गुमराह किया जा रहा था, किस तरीके से उनके माइंड को इस तरीके से सेटअप किया जाए कि वो हमारे देश के बारे में सोचें, और जिस तरीके को उनको कहानियां पढ़ाई जा रही थी, किस तरीके से वहाँ कहा जा रहा था कि एक अलग देश बनेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, ये सारी बातें वहाँ जो उन बच्चों से जब मिलके हम बात करेंगे, दो बार मुझे जाने का मौका मिला, तो कुछ अलग टाइप का है। और यदि हम लोग वहाँ जाते हैं तो लगता है कि हम किसी दूसरे देश में आ गए। यदि हमें वहाँ ड्राइवर घुमाता है किसी गाड़ी में बैठा के, तो ऐसी बातें करता है कि जैसे हम पाकिस्तान में घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी जी, यही स्थिति जो है सुनील जी जिसका जिक्र कर रहे हैं और मैंने भी किया, इसको कैसे बदलेगी बीजेपी भविष्य में? आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं भी वहाँ कई जगहों पे गया हूँ, लोग कहते हैं ये भारत से आया है। सुनील जी ने गलत नहीं कहा, वो लोग कहते थे भारत से आया है। तो आज तिरंगा उठाने वाला आदमी नहीं मिलेगा ये कहने वाले दल को 27 सीटें मिलती हैं, तो अब आप सोच लीजिए कि माननीय मोदी जी क्या करेंगे। माननीय मोदी जी जो है सभी नव निर्वाचित पंचायत जो अभी चुनाव पीछे हो चुके हैं उसमें एक दल उत्तराखंड आया हुआ है। उत्तराखंड में क्या विकास हो रहा है, कैसे विकास हो रहा है? वो लोग उधम सिंह नगर जो है, ये रुद्रपुर कहते हैं, वहां पर पूरी टीम आई हुई है और एक जनवरी में दो टीमें आ रही हैं। कैसे क्या विकास, क्योंकि वो बहुत पिछड़ा हुआ है। किस विकास से, जिसको वो भारत कहा करते थे, इससे वो बहुत पीछे हैं। आज उसको सीखने के लिए केंद्र सरकार उनको मदद कर रही है। 8,000 करोड़ के विकास कार्य, जो बिजली, सड़क, पानी, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनमें पठुआ और वो अंदवाड़ा में इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क लगाया जा रहा है। 500 करोड़ रुपए ऑर्गेनिक डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। और कुछ मैं योजनाएं आपको बता दूं, कैंसर इंस्टीट्यूट वहां दिया गया है, एम्स का काम चालू हो गया है। वहां पर लगभग जो है 1632 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है, जो ये 370 हटने के बाद। ये विकास के काम हम लेकर वहां जाएंगे, वहां के लोगों का जो जीवन आसान होगा और सरल बनाया जाएगा, तब जाके ये नैरेटिव हटेगा जो आपने कहा है। नैरेटिव लोगों ने सेट कर रखा था, अब चाइना से मदद मांग रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा। हिंदुस्तान वो भारत हो गया, वो चाइना उनका अपना हो गया। तो ये लोगों ने अपने मैं बहुत ही थोड़े से ब्लंट शब्दों में कहूंगा कि अपने बाप की बहुत ही समझ लिया था इन लोगों ने, कि कई सालों से, सैकड़ों सालों से वो लोग राज करते चले आ रहे थे। अब वो राज जो है खत्म हो गया, कांग्रेस की सरकार नहीं है। 1987 का इलेक्शन सबको याद होगा, हमारे साथी प्राइम मिनिस्टरों को भी। उसके बाद जो उन लोगों को एमएनयू बना था, वहां से चुनाव उन लोगों को जबरदस्ती हराने के बाद उसमें से कितने आतंकवादी पैदा हुए, वहीं से आतंकवाद की शुरुआत हुई। और आज 370 और 35 से हटाने के बाद आज जो आतंकवाद पत्थरबाजी खत्म हो गई है, हिंसा के लोग आज जो आंदोलन कर रहे थे, आतंकवादी थे, वो लोगों ने सरेंडर किया है काफी लोगों ने। तो अब एक विकास की बयार बहेगी और वो हमारा खूबसूरत भारत का खूबसूरत हिस्सा चमन बनेगा। 1987 वाली बात अश्विनी जी फिर दोहराई गई थी, कोशिश करी गई थी, जब उस टाइम कहा गया था मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जो थी ना, मफ में इलेक्शंस रिगिंग हुई थी। अब की बार भी महबूबा मुफ्ती ने ये मुद्दा उठाया था कि हमारे यहाँ रिगिंग हो रही है, हमारे कैंडिडेट्स को ठीक से लड़ने नहीं दिया जा रहा है, प्रचार नहीं किया जाने दिया जा रहा है। पर कुल मिला के वायलेंस फ्री इलेक्शन होना और केंद्रीय सरकार का जो मंशा था कि लोगों तक पैसा पहुंचे, बिल्कुल गांव के लेवल तक, पंच लेवल तक, वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई है सब। धन्यवाद जी। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय अरोड़ा जी, स्वागत है। अजय जी, आपका सारा समय में आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। ताज़ा इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास अपडेटेड है तो हमसे साझा करें। 26 सीटें कांग्रेस जीत चुकी हैं अब तक। जी आशुतोष जी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इस प्रकार जिस प्रकार से कांग्रेस ने 26 सीटों पे अभी तक विजय पाई, जो विजयी है और उस आवाम का धन्यवाद जिन्होंने चुना। और जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है आशुतोष जी, बिल्कुल अभी मैं सुन रहा था अपने सभी साथियों को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने चाइना की बात की, जगह जगह की बात की। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ कि झूला किसने झुलाया था, भाजपा वालों से इतना पूछो कि झूला किसने झुलाया था ये चिंको। तो झूला झुलाने वाले सवाल ना करें, या तो झूला झुला लें या उनका विरोध कर लें। तो सीधा सीधा इस बार जो चुनाव बीडीसी का हुआ है, और चुनाव होना अच्छी बात है, और वहां की आवाम को धन्यवाद करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव कराए
और भविष्य में कामना करते हैं कि जम्मू कश्मीर, और पहली बात आशुतोष जी मैंने सुना ये सभी लोग कह रहे थे कि हम जाते हैं तो हमें लगता है कि हम बाहर से आए हैं जी। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है और हमारा रहेगा, और ये कांग्रेस का शुरू से नारा था कश्मीर हमारा है, किसी की हिम्मत नहीं कि कश्मीर को देखे, और जो कश्मीर को लेने की बात भी करेगा तो उसको हम घर पहुंच के जवाब देंगे, उसकी हम आंखें निकाल देंगे, बिल्कुल कश्मीर हमारा है। चलिए तो आप की लगे हाथ में ये भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा अजय जी यहाँ पर, वैसे कि जिस तरह की बात फारूक अब्दुल्ला ने ये कही थी कि आर्टिकल 370 को रीस्टोर करने के मसले पर कि उनको चाइना की मदद से लेने से भी कोई गुरेज नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैंने कहा ना, चाइना मित्र किसका है, डोनाल्ड ट्रंप को झूला किसने झुलाया आशुतोष जी, झूला बिठा के झूला झुलाने वालों से सवाल करो ना, ये सवाल तो झूला झुलाने वालों से पूछो, अगर अगर किसी ने ये बात बोली वो उनका निजी बयान है और हम उसकी निंदा करते हैं, ये हम कांग्रेस की तरफ से, मैं बड़े विवेक से, बड़ी शालीनता से, बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ जी। जो भारत देश को अगर किसी बाहर का देश हस्तक्षेप करेगा या उसकी बात करेगा, कांग्रेस कतई 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 बर्दाश्त नहीं करेगी। चलिए बहुत अच्छी बात है, अश्विनी जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अश्विनी जी आप क्या कहेंगे, झूला झुलाने की बात सामने आ रही है? आशुतोष जी पहले तो मैं ये कहूंगा, देखिए भारत जो है एक संस्कारों वाला देश है, अगर हमारे यहाँ आतिथ्य आया है तो उसको झूला झुलाना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं अपने कांग्रेस के साथी को कहना चाहता हूँ कि अगर हम झूला झुलाते हैं तो जो ये आके निकालने की बात कर रहे थे, ये जमीन दान देते थे नेहरू जी उस समय, और आज 45 जवानों को मारने का भी काम किया है हिंदुस्तान के पात्र है, नहीं है मान्यवर सुन लीजिए, कांग्रेस अध्यक्ष में अनंत नाग ने चुनाव हार लिया, आप बताइए कैसे हारे वो, 56 पीछे हटाओ, 56 का सीना, 56 पीछे हटाए चाइना को, जब मानेंगे हम भाई हमारे सुन लें कि 56 इंच नहीं, वो 156 इंच का सीना है, तेलंगाना में भी भगवा कमल लहरा गया और हमारे आप देखिए यहाँ बहस बहुत बहुत गंभीर बहस हो रही है, कांग्रेस के मित्र जो है आकर इसको डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि अनंतनाग में जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष का बेटा, मैंने बड़ी विवेक से बात की, उस पर ये मैंने बड़ी जिम्मेदारी से बात की, जब चाइना का नाम आया तो मैंने बड़ी जिम्मेदारी से बात की, भारत का नागरिक होने के द्वारा मैंने बड़ी शालीनता से बात की, आपको दर्द हो गया, आपको पीड़ा हुई, आपको पीड़ा हुई ना, हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार ने इतना निष्पक्ष चुनाव कराया, पूरे देश में इसकी लापरवाही हो रही है, आपको बहुत पीड़ा हो रही मेरी बात सुनकर, आप जवाब ही नहीं पाए, 56 इंच पीछे क्यों नहीं हटाया चाइना को, हम साथ हैं आपके, चलो हटाओ 56 इंच पीछे, क्या बात करते हो, चुनाव पर बात कर लीजिए, चाइना पर मैं किसी दिन दूसरे दिन बहस करने आपके सामने रहूंगा, एक घंटे बहस करिएगा, सारा जवाब दूंगा, आज आप जवाब दीजिए, चाइना की बात 26 सीटों पर है, हम तो 72 सीटों पर है, कांग्रेस जो एक पूरे देश में दम भरती थी आज हर जगह से समाप्त हो गई है, चाहे वो केरल हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे राजस्थान हो, हर चुनाव में कमल का फूल वहां पर खिल रहा है, घमंड भी चूर हो जाएगा आपका, आने वाले समय में घमंड चूर हो जाएगा ये वाला भी। चलिए ये पॉलिटिकल स्लग फेस्ट की बात ज्यादा हो गई यहाँ पर, सुनील जी आप कुछ कह रहे थे बहुत देर से, रवीन जी आप से जाना, देखिए जी ये जो है सियासी दाव पे चलते रहते हैं, कांग्रेस ने कहना है आपने कुछ नहीं किया, झूला झुलाने की बात चल रही है, तो कांग्रेस ने कबाब और गुस्ताबी तो खिलाए लोगों को कश्मीर में बैठ के, 70 साल हम देख रहे हैं ये बराबर, मैं कोई बीजेपी की भी वो नहीं कह रहा हूँ, एक विन विन सिचुएशन है इस इलेक्शन की, हम आज के मुद्दे पे आए हैं, देखिए ना तो गुपकार कहे कि हम जीत गए जी टोटली और हमने वाइट वॉश कर दिया, हमारी चली आर्टिकल 370 और 35A की बात, ना बीजेपी ये कहे कि हमने गुपकार को हराया। अब देखिए गुपकार और जम्मू और कश्मीर के दोनों डिवीजन में जो 10-10 जिला है, ये देखिए 117 सीटें इनकी भी आई हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि गुपकार ने कुछ भी नहीं किया, गुपकार अलायंस ने भी कुछ करा है, सिर्फ एक आर्टिकल 370 मुद्दा नहीं रहा है जी, वहाँ पे पर्सनैलिटी बेस्ड भी रहा है, काफ़ी पर्सनैलिटी बेस्ड जो कैंडिडेट्स थे वो भी इलेक्शन जीते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन एक DDC इलेक्शन था जी। आगे के वक्त में देखना पड़ेगा कि बीजेपी जो 3 सीटें पहली बार वहाँ कश्मीर में जीती हैं,
ये एक रूट लेवल तक पहुंचने का काम है कि इन रोड्स बनाई हैं। मैं कहूंगा दे मेड द इन रोड्स एंड लेट्स होप दैट बीजेपी पुट्स इन इट्स एफर्ट और आगे कोई अच्छा भी वहां पे घाटी में देखने को मिलेगा। पर एडमिनिस्ट्रेशन को भी ठीक करना पड़ेगा। ये हम देख रहे हैं, हम आर्टिकल 370 हट गया। मैं जाता रहता हूं, मैं कश्मीर में बहुत एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन्वॉल्व हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा है जी ग्राउंड पे। आर्टिकल 370 हटने से पहले जो पोजीशन थी वही है, जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है हमारा उसको चेंज करना पड़ेगा। कोई काम नहीं हो रहा है जी वहां पे, ना सेक्रेटरीट में ना किसी लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर बदलते जा रहे हैं, हम एडवाइजर्स चेंज करते जा रहे हैं, परमिटेशन कॉम्बिनेशन ठीक है। कुछ साल और भी जोर लगाना पड़ेगा बीजेपी को वहां पे। एलजी की सरकार कायम रहे, मनोज सिन्हा जी गए हैं, पर वहां पे जो ग्राउंड की हकीकत है, ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वैसा ही है, कोई भी काम नहीं हो रहा है और आम आवाम जो है वो खुश नहीं है, वो ना खुश है। सुनील जी, ये तो एक स्थिति है जो कि हम इसके अलावा भी सुनते आए हैं, जैसा कि हमारे मेहमान बता रहे हैं कि कागजी परिवर्तन ज्यादा हुआ है और धरातल पर स्थिति नहीं बदली है। इस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, एक बड़ा सवाल ये है इन इलेक्शंस से इतर कश्मीर की मेन स्ट्रीमिंग का, कि मेन स्ट्रीमिंग कैसे हो, क्योंकि अगर आर्टिकल 370 को विड्रॉ किया गया तो उसके पीछे भी मेन स्ट्रीमिंग ही एक उद्देश्य है, और हम सब भी ये चाहते हैं कि वहाँ की जो आवाम है वो भारत, बाकी जो भारत की आवाम के साथ ही वैसा महसूस करे। वो स्थिति क्या, उस स्थिति की तरफ हम बढ़ पा रहे हैं या उस पेस से बढ़ पा रहे हैं जिसकी दरकार है? इतना उसमें थोड़ा सा मेरा मानना है कि समय लगेगा। दूसरा, हमको ये भी मानना पड़ेगा क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं, क्या वो बीजेपी से खुश नहीं है, गुपकार गठबंधन से भी खुश नहीं है। क्योंकि लगभग 220 में से 49 सीटें आती हैं, तो 25% के लगभग ऐसे लोग हैं वहाँ जहाँ निर्दलीयों को उन्होंने समर्थन दिया। तो ये भी एक मानना पड़ेगा, सारे राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा क्या कुछ ऐसा आवाम भी है जो किसी भी विचारधारा से सहमत नहीं है, क्या वो कुछ और चाहता है। दूसरी बात, हम जो आपका सवाल था वो निश्चित तौर से बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। बहुत खून खराबा जम्मू कश्मीर में हो गया, बहुत कई बरसें हो गई उसको देखते देखते, लेकिन अब ऐसा समय आया है। मैं सारे सिविल सोसाइटी के लोगों से भी कहूँगा वहाँ पे कि जिस तरीके से वहाँ सिविल सोसाइटी के लोग हैं, राजनीतिक दलों से भी ये कहने की अपील होनी चाहिए सारे लोगों की कि बहुत खून खराबा हो गया, अब निश्चित तौर से हम एक सही दिशा में बढ़ रहे हैं। या 370-35 से हटा है तो उसके भी हम लगभग, मुझे लगता है इसका रिजल्ट 10 साल में आएंगे, इतनी जल्दी किसी के भी रिजल्ट नहीं आते। या 10 साल बाद हम समीक्षा करें इस बात की, लगभग 5 साल बाद भी हम समीक्षा करेंगे तो देखेंगे कि निर्णय वास्तव में वहाँ की जनता के हक में है। तो मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर से वहाँ हक में होंगे, कि जिस तरीके से निचले स्तर को शक्ति दी जा रही है, वहाँ देखा होगा कि तमाम राजनीतिक दलों के जो आका थे वहाँ पे अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को चुनाव जिताते थे, जो करते थे वही होता था वहाँ पे। तमाम ऐसे घोटाले भी वहाँ खुल के आ रहे हैं इस समय। तो ये जनता को भी बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि कौन से राजनीतिक दल उनकी ईमानदारी से उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहते हैं, उनकी तरक्की में हिस्सा बनना चाहते हैं, ये वहाँ की जनता को भी सोचना पड़ेगा। जी रविंद्र जी, ये मेन स्ट्रीमिंग का सवाल मैं आपसे भी अगर पूछूं कि उस दिशा में और क्या कुछ करने की आवश्यकता है? नहीं, मैं तो हर एक प्लेटफॉर्म पे ये कहता हूं कि हम मेन स्ट्रीम में उनको कोशिश मतलब तो जारी है, पर कोई ऐसा स्टेप मैंने कोई चेंज नहीं देखा जी। देखिए जो ये आतंकवाद का मामला है ना जी, वहाँ पे मेरा मानना है, मैं जाता रहता हूँ, अभी भी मैं LOC केरन भी विजिट करके आया हूँ जी, वहाँ पूजा करके शारदा पीठ का इशू लेके, आपको पता है सब पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी को, मैं गया कुपवाड़े में भी 3-4 रात रहा, केरन में रहा, सब जगह घुमा, बड़गाम में अपने आश्रम चल रहे हैं, अपना जाते रहते हैं वहाँ पे। जो 10% या 15% मैक्सिमम मैंने देखे जो ये उग्रवाद के साथ जुड़े हुए हैं, और उनमें ओवरग्राउंड वर्कर भी शामिल है, 15% ये पॉपुलेशन है, पर जो 85% बाकी है, हर एक कश्मीरी उग्रवादी नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का बहुत जरूरी आवश्यकता है कि उनको मेन स्ट्रीम में लाए। कल्चरल प्रोग्राम्स हुए, उनकी इंक्लूसिवनेस हमने देखनी है। अगर हम उनको अलग ही नजर से देखते रहेंगे तब तो वो हमें भी अलग देखते हैं नजर से, भैया ये तो हिंदुस्तान से शायद उधर से, मुझे तो नहीं कह रहे उधर ज्यादा टीका करके जरूरत है। बहरहाल हाँ, बहुत शुक्रिया आपका।
फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। हम आपको ये बताएं कि कहीं ना कहीं कश्मीर को लेकर मेन स्ट्रीमिंग के जो एफर्ट्स केंद्र सरकार की तरफ से हुए हैं और राज्य के स्तर पर भी हो रहे हैं, अब वो प्रशंसनीय तो हैं, लेकिन उसमें वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक तरफ जहां ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सेना और सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से ढेरों आतंकवादी मारे जा रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं से चिंताजनक स्थिति ये भी है कि कश्मीर के ढेरों युवा आतंकी संगठनों के झांसे में आकर आतंकवाद को ज्वाइन भी कर रहे हैं और वो पेस भी चिंताजनक है। बहरहाल कहीं ना कहीं ये इलेक्शंस और इनके नतीजे ये जरूर दर्शाते हैं कि कश्मीर में लोकतंत्र धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। अपने सभी मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। रविंद्र जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विनी जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, आपका भी धन्यवाद। और अजय आज़ाद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।